विकासखंड राया पर आज दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरण के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अलमिनो को सहयोग से 163 बच्चों को विभिन्न उपकरण वितरित किए गए। आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्राथमिक विद्यालय राया पर दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण मापन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 163 बच्चों को चयनित किया गया था। वहीं दिव्यांग बच्चों को आज विकासखंड राया पर उपकरण वितरित किए गए हैं, जिसमें हेयरिंग मशीन, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर आदि उपकरण वितरित किए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए ABSA जाकिर हुसैन ने बताया कि अलमिनो के सहयोग से इस शिविर में दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरित किए गए हैं। सर बता, आज जो दिव्यांगों को जो विकास खंड पर जो कार्यक्रम हुआ, क्या कार्यक्रम है, किस तरह की व्यवस्था? देखिए, पिछले महीने जनवरी में दिव्यांग बच्चों का उपकरण मापन कैंप का आयोजन हुआ था प्राथमिक विद्यालय राया में। उसमें 163 बच्चे चिन्हित किए गए थे उपकरण के लिए। तो आज उन्हीं 163 बच्चों को ये उपकरण वितरण का कार्यक्रम है। इसमें अलिमको से जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी आई हुई है, और हमारे ज़िले से जो समग्र शिक्षा से जो हमारे DC है वो आए हुए हैं, BDO साहब हैं, ब्लॉक जी हैं, और चेयरमैन नगर पंचायत राया है। आप तो ये वितरण कैंप का आयोजन जो है ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत किया गया है। बच्चों को जो है आज जो है सामान जो वितरण किया गया है, किस तरह की किया गया है, किस तरह की जो चीज़ें हैं जो इनको बच्चों को दी गई? हाँ, इसमें देखिए व्हील चेयर्स है, ट्राई साइकिल है, और हियरिंग एड है, और MSID किट है, और कैलिपर्स है। ये चीज़ें जो है जिस बच्चे की जैसी आवश्यकता है, जो चिन्हीकरण हुआ था उसी के अनुसार ही वितरित किया।